मतदाता तक वो बात पहुंचे और मतदाता पार्टी के प्रति आकर्षित हो। लेकिन कई बार बयानबाजी का रंग इस तरह का हो जाता है कि उस पर वाद विवाद हो जाता है, बातचीत हो जाती है, और तब प्रश्न उठता है कि किस तरह की बयानबाजी राजनीति में होना चाहिए, जायज है, और यदि कोई गलत बात होती है तो उस पर संज्ञान कौन देगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता कर्नल ईशान आर। कर्नल साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। हमारे साथ में धन्यवाद। मौजूद है हिमानी सिंह जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद है शशिकांत जी, शशिकांत मिथरिया जी जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले, चूंकि मामला कांग्रेस से ही शुरुआत हुई है, एक दिन पहले ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्यप्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया है इमरती जी को लेकर, और उस पर काफी विवाद हुआ। और आज सुबह की घटना हम बताएं, इंदौर में उनके कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नारेबाजी की और पूछने की कोशिश भी की, तो काफी मामला ने तूल पकड़ लिया है। बयानबाजी काफी हुई है उसके पहले भी, लेकिन चूंकि ताजा बयानबाजी, इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। तो कर्नल साहब, क्या लगता है आपको, ये जो बयान आया है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि इनका बयान आया है, तो आखिर इस बयान पर इतना हंगामा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है, ये पूर्ण रूप से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने ये जो बयान दिया एक दलित महिला के खिलाफ, तो दलितों का भी अपमान है और संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है उन्होंने। इस तरह की बयानबाजी पहली बार नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हूं, और फिर उनके सभी के शिष्य जीतू पटवारी जी हूं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हूं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और किस तरह की बयानबाजी ये तोड़ मरोड़ के पेश करने किया गया करके जीतू पटवारी जी ये बोलकर बच नहीं सकते हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बयान दिया है। मैं उन शब्दों को इस्तेमाल करने में भी मुझे शर्माती है कि मैं उन शब्दों को इस्तेमाल करके दोहराऊंगा नहीं। हम सबको पता है, और मैं उम्मीद करता हूं हिमानी जी महिला होने के नाते भले उस पार्टी में हूं, एक बार पार्टी के स्तर से अलग हटकर उस बयान की निंदा जरूर करेंगी आज की इस डिबेट में। और हम उम्मीद करते हैं कि जीतू पटवारी जी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई विमेंस कमीशन तो करेगा ही, और पार्टी को भी करना चाहिए। और हमारा विरोध प्रदर्शन जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और सभी महिलाएं इसका विरोध करेंगी, और हम पूरी पार्टी पूर्ण रूप से इसका विरोध करती है। ईशान जी, क्या कहते हैं आप, जब इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो कई बार, चूंकि नेता लगातार काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि जबान फिसलना इसे कहा जाए? सोच समझ कर तो इस तरह के बयान शायद नहीं दिए जाते। आपको, आप क्या लगते हैं, भाजपा इसे किस रूप में देखती है? देखिए, आपने पहले पूछा आपको कैसा लगता है और फिर पार्टी की बात है। एक कोई जबान फिसलना एक महिला के प्रति ये फिसलने वाली बात नहीं होती है। माताओं और बहनों के प्रति अगर बात कर रहे हैं हम, और उनके प्रति आपका हमने आप अपने दोस्तों में क्या बात करते हैं हमें नहीं पता चलेगा। आभास है कि आपके सामने कैमरे ऑन है और आप इस तरह ध्यान दे रहे हैं। अव्वल तो दोस्त यार और मित्रों के बीच भी इस तरह की बयानबाजी किसी महिला के बारे में नहीं होनी चाहिए। फौज के बारे में बता देता हूं, एक उसूल होता है कि फौज में किसी महिला के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। ये एक बहुत बड़ा नियम होता है। चाहे कोई भी महिला हो, किसी की भी पत्नी हो, किसी की भी मित्र हो, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं, अब जिस पार्टी में शक्ति का विरोध, जिस शक्ति को सनातन में एक माँ का रूप दिया गया है, उस माँ के रूप को शक्ति का पार्टी में होता है, तो उस पार्टी में नेताओं से इस तरह के बयानबाजी आना बहुत आश्चर्यजनक नहीं करता है, लेकिन आघात जरूर लगाता है।
चलिए हिमानी से बात करते हैं। हिमानी जी, जो लगातार कन्नर साहब कह रहे हैं कि बयान आया है, और निश्चित रूप से जो बयान साफ सामने जो मीडिया में दिखाई दे रहा है वो तो आपत्तिजनक है, एक महिला के बारे में इस ढंग से बयानबाजी करना। क्या कहती हैं, आपका स्टैंड क्या है, का स्टैंड? बिल्कुल, जो बयान आया है वो आपने हमने सबने देखा, लेकिन उसके फौरन बाद जीतू भाई की एक माफी भरा बयान वीडियो भी उन्होंने जारी किया, और इस जो भी कुछ उनके मुंह से निकला उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। पर हम जिस पार्टी के सामने खड़े हैं वो उसमें की पार्टी है, वैसे तो इमरती जी भी हमसे कोई अलग नहीं है, वो पहले हमारी ही दल में हमारी बड़ी बहन है, लेकिन जिस दल जो हमसे इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो अभी कर्नाटक चुनाव में जो 3000 वीडियोस लोकसभा प्रत्याशी के वायरल हुए उसको उसकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उसको टिकट देने से मना किया, उसको चुनाव लड़वाया गया और उसे चुनाव के बाद गायब करवा दिया गया, अब रिजल्ट तक उसका इंतजार किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह, बिसाऊलाल साहू जिन्होंने राजपूत महिलाओं के बारे में बयान दिया था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने एयरप्लेन में अपनी सह यात्री के फटी हुई जींस से उसके संस्कारों की तुलना करने जी, आपकी आवाज नहीं, आप शशिकांत से बात कर। शशिकांत जी, आपने हिमानी जी को भी सुना और कर्नल ईशान आदमी को भी सुना, आप बड़ी विडंबना ये है कि भाजपा हो या कांग्रेस, जो बात होती है कई बार बयान जिस तरह से आते हैं वो आहत करने वाले होते हैं, और इस बार तो सीधा सीधा महिला पर जो ऐसा बयान आया है जिसे निश्चित रूप से पटल पर बोलना भी उचित नहीं लगता। क्या लगता है आपको, ये जबान फिसलती है, सोच समझ कर किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या क्या इसके पीछे क्या नीति होती? देखिए, मैं पहले भी आपकी इसी चैनल पर एक और डिबेट में इस प्रकार की बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मतलब महिलाओं के प्रति या किसी के भी प्रति कोई भी आपत्तिजनक भाषा, शब्द, वाक्य यदि कोई बोलता है तो वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उसका कोई बचाव नहीं है, उसका कोई ये नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई ये कहूंगा कि जीतू पटवारी जी से गलती हो गई होगी, या वो एक नेता है, एक जननेता है, लोगों के बीच में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। महिलाओं की भावनाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर नहीं होना चाहिए था, और जहां तक मेरे पास जानकारी है उसके बाद उन्होंने, जैसा कि हिमानी जी भी बता रही थी, कि माफी भी मांग ली है, तो इस प्रकरण का पटाक्षेप तो उसी समय हो गया, हालांकि उनको ध्यान रखना चाहिए था, इस पर कोई शक और शुभा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जीतू पटवारी ने जो कहा वो सड़क पे कहा, एक सभा में, जनमंच में, मीडिया के सामने, हमने ऐसी बातें और इससे भी कई ज्यादा गुना अशोभनीय अभद्र भाषा हमने संसद में सुनी है 2014 के बाद, जहां एक महिला सांसद को सुपर्णखा कह करके लोग ठहाके लगा करके हंसते हैं, आपको याद होंगे, जहां पे कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री और वरिष्ठ भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, उम्र दराज भी हैं, तो 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर के संबोधित किया गया। हो सकता है कि हमारे कर्नल साहब ने उस दिन भी कुछ अपनी पार्टी में ऐसा विचार व्यक्त किया होगा कि इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा भी जब तब बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके आपको बयान, उनकी ऐसी आपको घोषणाएं, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती रहेंगी। ये तो खैर बयानों की बात हुई, देखिए भारतीय राजनीति में कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको दो चार बातें और बताता हूँ। हमारे कर्नल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और बीजेपी का बचाव कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ढूंढ कर रेपिस्ट लोगों को अपने नजदीक किया है। प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट है, जिसके 3000 के करीब वीडियो बाहर हैं, उसको भारत की केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया, जर्मनी जाने का रास्ता दिया, ये सबके सामने है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई सांसद विदेश जाता है तो उसे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, लीगल क्लियरेंस केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। और प्रज्वल रेवन्ना के बारे में भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिसंबर 2023 में ही ये बात पता चल चुकी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के प्रति के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, वो इस प्रकार की घृणित और गंभीर घटनाओं का दोषी है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को जर्मनी तक जाने का रास्ता जो दिया है
ये मुझे लगता है कि जितनी भी बातें अभी कर्नल साहब ने कही थी और बीजेपी की नेता कहते हैं नारी शक्ति के लिए, उन सब की सच्चाई को आप सबके सामने ला करके रख देता है। मेरा मन इतना दुखी है कि मैं इस विषय पे बहुत ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी के केवल एक प्रज्वल रेवन्ना नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रजभूषण सरण जी को टिकट दिया बीजेपी ने, क्या ऐसी मजबूरी थी? जिस बीजेपी ने की सीना और बड़ी बड़ी बातें करके 400 दे रही थी, क्या वो बीजेपी 2-4 सीटों के लिए अपने करने को तैयार है? ब्रजभूषण सरण टिकट दिया, वो ब्रजभूषण सरण सिंह जो देश की पहलवान बेटियों को, सैकड़ों बेटियों के यौन शोषण का आरोपी है, क्या कर्नल साहब इस बात के प्रति? कैसे वो चिन्मयानंद को भूल जाते हैं, कैसे वो कुलदीप सेंगर को भूल जाते हैं, कैसे वो रामदुलारी गौड़ को भूल जाते हैं? क्या आप सब ये जनता को बताएंगे कि आपके बीजेपी के लोग हैं जो, और ये सजा याफ्ता लोग हैं इसमें से कई लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। और प्रज्वल रेवन्ना का जो प्रकरण है, वो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे कहीं पे भी बचाव का कहीं भी अधिकार रखता है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसको श्री रेवन्ना कहकर संबोधित करते हैं, केवल एक संबोधन, केवल एक संबोधन ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति किस भावना से काम करती है, कैसे इनके विचार हैं। और मैं जीतू पटवारी जी के बयान की भी कड़ी निंदा करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इमरती देवी एक सम्मानित महिला है, और सम्मानित वो नेता नहीं भी होती, एक सामान्य महिला भी होती, तब भी किसी भी महिला के प्रति इस प्रकार के विचार राजनीति में या परिवार जी में या समाज में कतई स्वीकार्य नहीं है। आम आदमी पार्टी और जी मेरा जी स्पष्ट मत है। जी रजनीकांत जी, क्या आपको लगता है कि जब इस दिन की बयानबाजी होती है, क्योंकि कहते हैं चुनाव में बद से बदनाम बुरा, कहीं आप किसी भी तरह का बयान दे दीजिए उस पर निश्चित रूप से मीडिया में चर्चा होगी, लोगों तक तुरंत पहुंचेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के मोबाइल पर पहुंचेगा, तो आपको लगता है कि इस तरह से लोगों तक पहुंचने की भी कोई जिज्ञासा हो सकती है? हाँ, समाज में नैतिक पतन हो रहा है, राजनीति में नैतिक पतन है, निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं तूल पकड़ती हैं, लोगों को चर्चा मिलती है। और मैं केवल राजनीति के स्तर पर ही नहीं कह रहा हूँ, हम जिस प्रकार की रील देख रहे हैं, हम जिस प्रकार का वातावरण देख रहे हैं, हम जिस प्रकार का सोशल मीडिया पे आने वाले वीडियोज देखते हैं, निश्चित तौर पर ये एक धारणा है कि यदि बद से बदनाम जो है, नाम तो हो ही जाता है, निश्चित तौर पर ये भी कहीं ना कहीं काम करती होगी ये बात। लेकिन आम ईमान आदमी जी, पार्टी इस प्रकार की बातों से बहुत दूर रहती है। आपने आज तक हमारे किसी भी नेता का किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पर कोई ऐसा बयान नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हम साधारण लोग हैं और हम इसी समाज से निकले हुए लोग हैं। हम राजनीति को इन सब बातों से अपनी राजनीति बनाने का और जताने का जरिया नहीं बनाते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा बीजेपी से भी और जीतू पटवारी जी से भी, यदि उनको एक बार और माफी मांगनी पड़े तो वो निश्चित तौर पर माफी मांगे और इस प्रकरण को समाप्त करें। जी, ईमान जी आपसे हम पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि कर्नल साहब ने, चूंकि लगातार शशिकांत जी ने कई चीजों पर बातचीत की है, कर्नल जी उस पर जवाब देना भी चाहेंगे। कर्नल साहब, क्या लगता है जो बातें शशिकांत जी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि कांग्रेस ने कोई बयानबाजी की है, भाजपा भी इस के कई ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं और महिलाओं को लेकर भी अशोभनीय बातें हुई हैं, क्या पार्टी अब क्या मनन चिंतन करती है, क्या इस ढंग की भी कोई कोई मैसेज की वर्कशॉप होती है कि आप कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई आप जो बयानबाजी करें उस पर आप ध्यान रखें, क्या सीमा होनी चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या इस पर भी बातचीत होनी चाहिए? ये सर्वप्रथम तो मैं शशि जी को धन्यवाद देता हूं कि ये गलत बयान का गठबंधन धर्म की बात न करके उन्होंने कड़े शब्दों में उसकी निंदा की, बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज आती है, अभी आपने जो प्रश्न पूछा, हमारी पार्टी में महिलाओं के प्रति जिसने भी इस तरह के बयानबाजी की है उसके खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा भी हुई है पार्टी के स्तर से। सीनियर हिमानी जी, आप हंसिएगा, आपको पता है मैं बोल बिल्कुल कर्नल साहब, कर्नल साहब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र हंसने मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हंसने जैसी ही बात है, आपने मजाक किया तो हंसेंगे हम। अच्छा, मजाक तो आप लोगों ने देश का बना रखा है, अब आप स्तर गिराना चाहती हैं डिबेट का, तो गिराइए, मैं शुरू हो जाता हूँ। आप शुरू करेंगी तो आपको जवाब मिले, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, आप फिर अपना बयान दीजिएगा। बोलिए बोलिए। कांग्रेस पार्टी की रेणुका चौधरी जी की के संदर्भ में शची जी ने कहा था, वो एक प्रकरण था, किस स्तर पे किस विषय में कहा गया वो आपको सबको विदित है।
रेणुका चौधरी जी का ही बयान है कि रेप तो इस देश में होते रहते हैं, वो एक महिला है, वो एक महिला ऐसा कह रही थी। दूसरी चीज, प्रज्वल रेवन्ना का केस के बारे में शशि जी ने बात की, 24 तारीख को, 24 अप्रैल को पूरे टेप के बारे में खबरें पहल शुरू हो गई थी और वोटिंग 26 तारीख को थी कर्नाटक में। प्रज्वल रेवन्ना वोकलिंगा समाज से आते हैं और वोकलिंगा बेल्ट में वोटिंग थी 26 को। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में बेंगलोर में मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 दिन उन्होंने वोटिंग का इंतजार किया और उसके बाद जब तक कोई आपराधिक केस नहीं होता है, रजिस्टर भी नहीं होता है, तो आप किस आधार पर एक व्यक्ति को रोक सकते हैं विदेश जाने या कहीं से? सब क्या क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाज के आप कानूनों पे आ गए, आप अपना राजनीतिक आपकी पार्टी का वो बताइए ना, स्टैंड क्या लिया आपने? हिमानी जी आप नहीं थी, शशि जी ने जो प्रश्न उठाए थे मैं उस पर बात कर, मैंने भी किया था। प्रज्वल रेवन्ना को कौन नहीं जानता, एक महिला होने के नाते मैं उनका केस नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? आप जानती हैं, तो मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि जनता जेडीएस के सांसद हैं, उनके खिलाफ की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होती है उसके समर्थन में है और उस कार्रवाई को हम आगे ही बढ़ाएंगे, हम उसको रोकने के लिए या उसके समर्थन में नहीं खड़े हैं उस व्यक्ति के। आपने एक बात कही थी पंकज जी कि क्या ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं कि मीडिया में बने रहें। याद करिए आप, एक ओनिडा का विज्ञापन आता था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, बड़ा पॉपुलर हो गया था कि निगेटिव पब्लिसिटी करो तो लोग ज्यादा देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज, एक और चीज है, इस तरह का की बयानबाजी चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से कोई करे, जो कि हम नहीं मिला है मुझे, प्लस बाकी भी किसी पार्टी में, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था शशि जी ने, इस तरह की ओछी मानसिकता वाली बयानबाजी आम आदमी पार्टी में भी नहीं। उनके ऊपर दूसरे मेरे इश्यूज हैं, उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह की ओछी जो होती है स्टेटमेंट, वो चाहे आप पब्लिसिटी के लिए भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। अब माफी मांग लेना, स्टेटमेंट इस तरह के माताओं और बहनों के लिए जो दिए जाते हैं, इट्स नॉट ए बूमरैंग कि आप फेंकेंगे और वापस आएगा, ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने माफी मांग ली और मुद्दा खत्म हो जाता है। निश्चित रूप से बात तो निकल चुकी है, बात जबान से निकलने के बाद में तीर तो छूट चुका है। हिमानी जी, अब चूंकि शुरुआत हुई थी बयानबाजी से, लेकिन अब मुझे लगता है डिबेट का जो रुख हो गया है वो ये हो गया है कि राजनीति में जो शुचिता कम होती जा रही है, वो बयानबाजी की बात हो या किसी और की बात हो, कहीं ना कहीं स्तर में कमी हुई है और इस स्तर को सुधारने की बात करनी चाहिए। चूंकि आप प्रवक्ता के रूप में आप महिला हैं, आप इसे बेहतर समझ भी सकती हैं, कैसे आखिर इससे मुक्त हुआ जाए? क्या आप में मानती हैं कि हाँ राजनीति में स्तर तो घटा है और इस पर काम करने की आवश्यकता है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या समाज का कोई भी तबका हो, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, महिलाओं के लिए समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अलग, उसमें आप उनकी समस्याएं, हर कॉरपोरेट में चले जाइए, व्यापार में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हम जानते हैं कि हमको पुरुषों से कम आकर, चाहे सैलरी में देखिए, प्रमोशन में देखिए, व्यवहार में देखिए, सब चीजों में इस तरह की वो होती है। इसका सीधा सोल्यूशन अगर पार्टी से अलग जाके बात की जाए, इसका सीधा समाज में परिवार से इस चीज की शुरुआत की जानी चाहिए। जब घर में महिलाओं को, लड़कियों को लड़कों के बराबर जगह दी जाएगी, उसके बाद उन सबके बीच में समानता आएगी, और शुरू से जब घर में यह व्यवहार सिखाया जाएगा तभी वो चीजें बाहर दिखाई देंगी। लेकिन कहीं से कहीं तक भी इसमें मैं जीतू भाई का इसलिए साथ सामने आने के लिए, इस डिबेट में आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने कार्य कोई चीज होने के फौरन बाद उस बात को लेकर माफी मांगी, और कहते हैं कि माफी मांगने वाला ज्यादा, जिसने अपनी चीज को रियलाइज किया। जीतू भाई की विधानसभा में मैं यहाँ रहती हूँ, मैं राव विधानसभा से ही बिलोंग करती हूँ, जीतू भाई के हमेशा संपर्क में रहते हैं, वो बिल्कुल, आप विश्वास मानिए, महिलाओं में एक सिक्स सेंस, एक इंट्यूशन पावर, जो अंतर की चेतना होती है वो होती है। जीतू भाई बिल्कुल इस तरह के इंसान नहीं है,
अगर अगर बात की जाए, अब अगर जीतू भाई की बात को हटा दिया जाए, तो अगर जो अभी मेरे भाई बोलने जा रहे हैं तो मैं बोलने वाली हूँ कि आपने ठीक है प्रज्वल रेवन्ना की बात कर ली, ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बात कर लीजिए, मोदी जी और अमित शाह, जिस तरह से सोनिया जी, प्रियंका जी, आप याद कीजिए हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश चुनाव की प्रत्याशी सोनाली ठाकुर, जिनके बारे में किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई और उसके बाद किसी ने कोई माफी नहीं मांगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को इनाम के तौर पर उनका बेटा भी आज पद पर आसीन चुनाव लड़ा है, उनके छोटे बेटे ने भी वंशवाद की एक वो और दी गई उनको इनाम के तौर पर कि आप भी रहिए, आपके बच्चों को भी हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने का वो मौका देंगे। दूसरी इन सब चीजों में मैं ये मानती हूँ कि अगर माफी शब्द इससे ये लोग अछूते हैं बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इससे भी ज्यादा शर्मनाक चीजें करती हैं। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के पॉर्न और महिलाओं के बलात्कार, शोषण, इनसे रिलेटेड बहुत सारे पिछले पिछले वर्ष में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनमें भाजपा के नेता मध्य प्रदेश में उन केसेस से जुड़े हुए थे। माफी मांगना तो दूर, पूरी सरकार उनके समर्थन में आ गई, उनको बचाने की, उनको हर तरह से उस चीज से निकालने की पूरी कोशिश की गई। अभी का आप झाबुआ वाला केस देखिए कि उस झाबुआ के केस में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के परिवार के लिप्त होने की जानकारी सामने आई, तो उन्होंने जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया कि उन्होंने बच्चे की, अरे पॉक्सो एक्ट बच्चे की पहचान उजागर होने से या परिवार उस बच्ची के साथ जो जो कर्म हुआ उसके प्रति उसको न्याय दिलवाइए, ठीक है आप इनके ऊपर भी जो आपको कार्रवाई करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन ये लोग हमेशा इस तरह की बदले की राजनीति करते हैं कि जब ये कोई काम करते हैं तब भी दूसरों को उसमें आरोपी बनाने का और दूसरों को वो करने का, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो अब चुनाव में उनको अपना माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है तो उसके लिए अपनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ये लोग हो हल्ला करेंगे, पर आप विश्वास मानिए जीतू भाई बिल्कुल इस तरह के इंसान नहीं है। हिमानी जी एक सवाल अभी जस्ट आप बोल रही थे मन में आया है, क्या आपको लगता है कई बार राजनीति की सीमाओं में बनने के कारण, किसी पार्टी की सीमाओं में बनने के कारण कई बार हमें गलत चीजों का भी सपोर्ट करना पड़ता है, जस्टिफाइड करना पड़ता है? जीतू भाई का मसला नहीं है चूंकि उन्होंने माफी मांग ली और आप बोल भी रही हैं, लेकिन आपको लगता है कई बार राजनीति के फ्रेम में आने के बाद में हमें उन चीजों के साथ में भी खड़ा रहना पड़ता है जिस पर हमें नहीं रहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये मानिए कि इस डिबेट में आने के लिए जब इसका टॉपिक मुझे बताया गया था तो ये मेरी चॉइस थी कि मैं इस डिबेट में आने के लिए, मैं किसी व्यस्तता के चलते इसके लिए ना भी कह सकती थी, क्योंकि मैं आपसे ये बोल रही हूँ इस डिबेट में आने के लिए, क्योंकि मैं जीतू भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उनके साथ हमने इतने वर्षों तक काम किया है, वो बिल्कुल महिलाओं के प्रति जिस तरह का सम्मान रखते हैं, जिस तरह जब वो जहां मिलते हैं तो वो पैर छूने और जो जिस आयु के अनुसार जिस सम्मान के लायक होता है उसको वो सम्मान देते हैं, कभी उनकी नजरों में, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में उन्हें हमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई देती, इसलिए मैंने आज इस डिबेट में आने के लिए हाँ बोला है, वरना किसी व्यस्तता के चलते मैं भी मना कर सकती थी। ये बात आप स्वीकार भी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ईशान साहब क्या आपको लगता है कि जो हिमानी जी कह रही हैं और जीतू पटवारी जी ने जो कहा है, ठीक है उन्होंने ये कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर किया गया, उसके बावजूद भी यदि किसी को ठेस पहुंची है तो माफी चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है उन्होंने कुछ बात उनसे मुंह से निकली और उन्होंने माफी मांग ली, क्या आपको लगता है कि यदि कोई भाजपा की तरफ से भी कोई ऐसी चीजें होती हैं तो माफी जैसी चीज तो होनी चाहिए कि भाई आप पब्लिकली आपने बोला है पब्लिकली आप माफी मांगे, आपको लगता है कि हाँ ये सच है कि गलत गलती हुई है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए? देखिए पंकज जी, पहली चीज तो ये है कि हिमानी जी ने जो एक बात कही थी कि समाज का बदलाव वो परिवार से ही शुरू होता है, बहुत उसी पक्ष में हूँ, तो वो बहुत जरूरी है, उसके बिना एक शुचिता की बात करना और ये सब बेमानी हो जाता है अगर घर से ही वैसे संस्कार नहीं आते, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक जीतू पटवारी जी ने जो कहा, उन्होंने माफी के रूप में भी, आप देखिए शब्दों पे गौर करिए, अगर उनका पहली लाइन ओपनिंग लाइन है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये राजनीति, देखिए राजनीति में इतना तो करना होता है, ये तो मैं आ रहा हूं पंकज जी, मैं बता रहा हूं खेद कब होता है, खेद किसको कहा जाता है कि मुझसे गलती हो गई, ये स्टेटमेंट मैंने दिया, मैं माफी मांगता हूं, ये होती है माफी, और ये होता है करेज ऑफ कन्विक्शन कि मैंने गलती की थी, मैंने माफी मांगी, आई एम सॉरी। अभी ये कहना कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जी जी बोलिए, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और अगर किसी की भावना आहत हुई हो, अरे भाई आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक पूरे वर्ग को आहत करने वाली बात है। और एक और चीज बताता हूं मैं, जीतू पटवारी जी का विधानसभा चुनाव के टाइम का भी स्टेटमेंट है,
आप लोगों को पता होगा वो चीज, हिमानी जी को भी मालूम होगा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं फिर से कुछ उन्होंने कहा था। अभी एक चीज और बताइए, जैसे कांग्रेस में ये चीज क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, इन्होंने बड़ी फेहरिस्त बताई थी, मेरे पास भी फेहरिस्त है, उसको पढ़ने बैठूंगा तो वो डिबेट डिरेल हो जाएगी। 4 दिन पहले कांग्रेस की एक प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के साथ क्या दुर्व्यवहार होने की जरूरत थी छत्तीसगढ़ में, और जिस तरह से वो आंसुओं से रो रही थी, बोल रही थी, उससे आपको एक जो कल्चर डेवलप हो गया है वहां पे कांग्रेस के अंदर, वो बहुत ही घातक है, मैं ये कहना चाहता हूं। और हिमानी जी और शशि जी भी मैं समझता हूं कि इस चीज से जरूर मेरा साथ देंगे कि आत्मचिंतन की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति आज की तारीख में हो गई है कांग्रेस पार्टी की, वो गांधी जी के सपनों को पूरा करने वाली हो रही है, जो उन्होंने स्वतंत्रता के बाद कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये अगर आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो ये बहुत तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह की बयानबाजी किसी भी महिला के लिए गलत होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आज या कल सेंट्रल लीडरशिप जरूर इस पे संज्ञान लेके जीतू पटवारी जी के खिलाफ कार्रवाई और बयान जो भी है वो करना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष है, इसलिए ये उम्मीद मैं सेंट्रल लीडरशिप से करता हूं कांग्रेस की। क्योंकि क्योंकि समय कम है शशिकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए डिबेट जो है वो तो जितने तर्क किए जाए आप कम पढ़ते हैं, लेकिन अंत में हाथ में क्या आता है महत्वपूर्ण ये है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी के लिए चुनाव आयोग जो है उसे कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए कि यदि आपने कुछ बोला है तो सिर्फ माफी मांगकर आप उस पर उससे मुक्त नहीं हो सकते, कोई ना कोई कार्रवाई आप पर निश्चित होगी, क्या ऐसा कोई स्ट्रिक्ट ऐसा कोई सख्त कानून होना चाहिए? शशिकांत जी देखिए, जहां तक मैं मानता हूँ आत्म अनुशासन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और चूंकि आपने चुनाव आयोग का नाम ले दिया है तो चुनाव आयोग तो आज के समय में मुझे लगता है आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी संस्था के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जो किसी नेता के बयान के लिए और खासकर प्रधानमंत्री के बयान के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दे देता है, उस चुनाव आयोग के बारे में मैं अपनी कुछ भी कह दूंगा तो हो सकता है मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जाए, पर ये आज जनता के मन में जन जन के मन में ये बात शामिल है। और मैं अभी 2 दिन पहले एक पोल देख रहा था, शायद सी वोटर सर्वे का था, तो आज के समय में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरे भारतवर्ष में जो उन्होंने पोल किया था उसमें तकरीबन उन्होंने 22-23% लोगों ने बोला कि उनका चुनाव आयोग पे विश्वास है, इसके अलावा सभी लोग किसी का भी चुनाव आयोग पे तो कम से कम भरोसा नहीं है, लोग चुनाव आयोग से ज्यादा बीजेपी पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने तो अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। ऐसा कोई नियम तो बनना चाहिए ना, क्या लगता है आप? नहीं, नियम देखिए दुनिया में हिंदुस्तान में हजारों नियम है, आप आईपीसी खोलेंगे तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के इतने सारे नियम आपको मिल जाएंगे, नियम बनाते रहने से कुछ नहीं होता है, नियमों के एग्जीक्यूशन और सबसे बड़ी बात समाज के स्तर पर इन चीजों की निंदा, समाज के स्तर पर इन चीजों के प्रति विरोध जब तक पैदा नहीं होगा, आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, उसी जेडीएस का प्रज्वल रेवन्ना है जिसके खिलाफ 3,000 वीडियो बाहर आए, आप देख लीजिएगा उसी जेडीएस को वहां पे सीटें मिलेंगी, उसी बीजेपी को जिसके प्रज्वल रेवन्ना के लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो, ये मेरा हाथ मजबूत करेगा, मोदी को मजबूत करेगा, उसी उन्हीं मोदी जी को लिए भारतीय जनता भारत की जो जनता है वो वोट देगी और उनको सीट मिलेगी, वही सांसद ब्रजभूषण सिंह का बेटा केसरगंज से जीत करके आएगा, ये भारतीय समाज का और भारतीय भारत का दोहरा चरित्र है। हमारे कर्नल साहब ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मुझे पता है, मैं भी कई सोर्सों से जानता हूं कि भाजपा के प्रवक्ताओं की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, काफी अच्छे शब्द चुन करके उनकी बगिया में डाले जाते हैं, जो एक एक फूल निकाल करके वो डिबेट्स में बोलते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो हमारे अमित शाह जी के जो संबोधन जब मैंने सुना था और जब उन्होंने श्री रेवन्ना कहकर के प्रज्वल रेवन्ना को संबोधित किया, जो सारी सच्चाई खुल करके वहीं सामने आ जाती है, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे वो आसाराम का मामला हो, चाहे वो जो पंजाब का जो वो था MSG जिसने पिक्चर बनाई थी जिसको बार बार पेरोल देते रहते हैं, जब तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी वो बड़ा मौज में रहेगा, ये महिलाओं के प्रति भाजपा की सोच को दिखाता है। मैं बड़े क्षमा चाहता हूँ कर्नल साहब से, क्योंकि मैं आर्मी के लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे उनके सामने ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं। निश्चित तौर पर कर्नल अच्छे व्यक्ति होंगे,
और मैं अपनी बहन हिमानी जी का भी जो है ये बात मानता हूँ निश्चित तौर पे, जो उन्होंने कहा हमारा धर्म है। जी 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 जी, क्योंकि बहुत कम समय है साहब, संक्षेप में आप बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप बताइएगा प्लीज। देखिए मैं एक ही चीज शशि जी बार बार एक चीज को जरूर ला रहे हैं कि श्री प्रज्वल रवन्ना बोला, ये कब बोला, ये कब बोला, ये भी ध्यान रखिए शशि जी। सुनिए इस प्रकरण के बाद जब एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, पूछा कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, उन्होंने तब बोला। ठीक है, कम से कम इससे तो बेहतर ही है कि एक क्या बेहतर है, 3000 वीडियो बेहतर है, क्या बेहतर है प्लीज। आपने कहा था आप मुझसे ईमानदारी चाहते, तो आप भी ईमानदारी दिखाइए प्लीज। क्या बेहतर है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर है, अरे बोलने देंगे तो बताऊंगा क्या बेहतर है, शांति शांति क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए बताइए ना। मैं करता हूँ आपका भी और सभी महिलाओं का, बोलने तो दीजिए, मैं नहीं इसमें ये युद्ध में नहीं पढ़ना चाहता हूं। देखिए ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से संबोधन करते हैं राहुल गांधी हो चाहे बाकी लोग भी हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे सुन लीजिए इमानी जी, आप देखिए प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सुन लीजिए, बताइए। तो ये अगर श्री बोला गया है, अगर श्री बोल दिया तो वो ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने अपराध किया है, और गृह मंत्री जी ने यही कहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ हो चाहे कोई भी व्यक्ति इस तरह का महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको समझिए, मर्म को समझिए। जी हिमानी जी बोलिए प्लीज, बोलिए। जी बिल्कुल, जैसे अभी भाई ने कहा कि मैं मुझे भी बहुत सारी उम्मीद कर रहे थे, पर अभी ये खुद कितनी उम्मीदों पर खड़े उतरे, यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं कि इस तरह के बयान और 3000 वीडियो बेहतर है, गृहमंत्री जैसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को श्री कैसे बोल सकता है जो 3000 वीडियो का आरोपी है। दूसरे ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात का साक्षात उदाहरण है कि इनके पार्टी में इस तरह के लोगों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है और उनके पदों पर आसीन किया जाता है, क्योंकि ये इनकी परंपरा का निर्माण और ईशान जी चुकिया समय होता है, आप तीनों में लेकिन शुचिता पर पहुंच गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं पर एक सीमा होनी चाहिए बोलने की, और इस पर कोई बयानबाजी सामने आती है तो निश्चित रूप से हम हमारा मानना है हिमानी जी को नहीं बोलना चाहिए, अमित शाह जी को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए।